नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अस्पताल में आईसीयू में भर्ती मरीज की आग, चूहे ने कुतरी मरीज की हुई मौत। असम में दोनों डोज लेने वालों को नहीं करवाना होगा टेस्ट, टीकाकरण अभियान भाजपा का दिखावा। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। अस्पताल में आईसीयू में भर्ती मरीज की आंख, चूहे ने कुतरी मरीज की हुई मौत। कोरोना महामारी के बीच मुंबई महानगर पालिका के रजवाड़ी अस्पताल से बेहद डराने वाली बात सामने आई है, जहां आईसीयू में वेंटिलेटर पर पड़े मरीज की आंख चूहे ने कुतर डाली। दरअसल कुरला के कमानी इलाके में रहने वाले 24 साल के श्रीनिवास यालप्पा को सांस में तकलीफ के बाद राजवाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसके सिर पर बुखार भी चढ़ गया और किडनी में भी दर्द था, जिसके चलते श्रीनिवास को आईसीयू में भर्ती किया गया। 22 जून को तड़के 3 बजे जब रिश्तेदार श्रीनिवास के पास पहुंचे तो उसके एक आंख से खून बहता हुआ देखा, जिसके बाद उन्होंने तुरंत अस्पताल प्रशासन को बताया। जब आग की जांच की गई तो चूहे द्वारा आग कुतरे जाने की जानकारी सामने आई, जिसके बाद मरीज के परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। आग कुतर जाने के बाद डॉक्टर ने जांच की तो पाया कि आग बच गई है, चूहे ने आग की पलक के नीचे कुतरा था। आग के अंदर कोई चोट नहीं आई, लेकिन बुधवार को श्रीनिवास ने इलाज दौरान दम तोड़ दिया। इस घटना पर अस्पताल प्रशासन ने कहा कि अस्पताल का आईसीयू विभाग निचली मंजिल पर होने के बावजूद चारों तरफ से बंद है, बरसात की वजह से शायद दरवाजे के बीच गैप से चूहा अंदर आ गया हो। ऐसी घटना बार बार न हो, इसके लिए उपाय करना जरूरी है। इस घटना के बाद BMC के आयुक्त ने भी जांच के आदेश दे दिए हैं। तो वही दूसरी ओर असम में दोनों डोज लेने वालों को नहीं करवाना होगा टेस्ट। दोनों डोज लेने वालों को अब एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर अनिवार्य टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। असम सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके मुताबिक जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है, उन्हें एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर अनिवार्य टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। राज्य में हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर आने वाले उन सभी यात्रियों को जिन्हें कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है, उन्हें अनिवार्य रैपिड एंटीजन टेस्ट से छूट दी जाएगी। दरअसल इससे पहले प्रशासन ने अप्रैल महीने में एक आदेश जारी कर राज्य में आने वाले सभी यात्रियों का कोरोना टेस्ट अनिवार्य कर दिया था। राज्य सरकार के आदेश में कहा गया है कि असम में पिछले कई दिनों से संक्रमण के मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है, साथ ही पॉजिटिविटी रेट में काफी कमी आई है। तो वही दूसरी ओर टीकाकरण अभियान भाजपा का दिखावा। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री सतेज पाटिल ने राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान को भाजपा का दिखावा बताते हुए कहा कि 21 जून को केंद्र सरकार की तरफ से विश्व रिकॉर्ड बनाने का दावा बिल्कुल फर्जी था। उन्होंने आरोप लगाया कि नकली कहानी बनाने के लिए दुष्प्रचार किया गया। गृह एवं सूचना प्रौद्योगिक राज्य मंत्री पाटिल ने कहा कि केंद्र सरकार ने नकली रिकॉर्ड बनाने के लिए वैक्सीन की लाखों खुराक को रोक रखा था, जबकि दूसरी तरफ लोग बीमारी से तड़प रहे थे। पाटिल ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी शासित कुछ राज्य सरकारों ने अभियान के रोल आउट से पहले 4 से 5 दिनों के लिए वैक्सीन की खुराक को वापस ले लिया था। भाजपा शासित राज्यों ने अभियान शुरू करने से पहले टीकाकरण दर को कम कर दिया था, जिससे टीकाकरण के पहले दिन रिकॉर्ड बनाया जा सके। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं, प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखें और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।